तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर, लेकर के आया हूं कॉमन एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम क्लास 9 का मैथ का पेपर है। इसके आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं। और आप कौन से स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें अपना जरूर अपना नाम कमेंट करें स्कूल का। आपको यहाँ पर पहला पार्ट मिलता है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे के सारे एक एक नंबर के होंगे, MCQ है ना, चार ऑप्शन वाले। आइए यहाँ पर देखते हैं। और पहला प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा आपके लिए। यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज है ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर जो कोण ए है वो 4x है, एंगल बी 3y है, एंगल सी 2x है तथा एंगल डी जो है वो आपका 15y है। तो x और y का आपको मान बताना, यानी कि वैल्यू आपको बतानी है कि x और y की क्या वैल्यू होगी। तो x और y की वैल्यू होगी x बराबर होता 30 एंड y इजकल टू 10, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, है ना। तो आपको ये बताना कि भाई बहुपद कौन सा इसमें नहीं है। तो आपके ये सारे बहुपद हैं सिर्फ सी को छोड़ करके, तो ये बहुपद नहीं है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्स 5 की पावर 7 की पावर 5 इजकल टू सॉरी इंटू 7 की पावर 8 का मान आपको बताना है कितना होगा। तो ये रहेगा आपके लिए यस, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि 7 की पावर 3। उसके बाद देखिए -3 है ना, तो ये -3 है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये आपका 7 की पावर 3 ये भी है, लेकिन ये माइनस वाला है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 के रूप में होता जहाँ पर। तो इसका जो आंसर है जहाँ पर जो है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है यस, इसका आंसर मिलेगा आपको डी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको 6, यदि ए बी का मध्य बिंदु बिंदु सी है तथा सी वी का मध्य बिंदु डी है, तो भाई वो कौन सा होगा? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है AC प्लस 2CD इजकल टू AB, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद 7th वाला देखेंगे, एक त्रिभुज, उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम में भी बात करेंगे। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं जो ट्रायंगल है उसकी जो भुजा है जिसका वो 22 सेंटीमीटर है, दूसरा 18 सेंटीमीटर है एंड तीसरा 26 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, देखिए परिमाप तो पूरा होता है, तो इसका आपको अर्ध परिमाप बताना है। तो अर्ध परिमाप होता है इसका 33 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम पूछेंगे कि इसका परिमाप क्या होगा, तो आप परिमाप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। अर्ध परिमाप जो है वो 33 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना होगा? अगला 8वां सवाल है, कौन से बहुपद का एक शून्य 2 है? तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि x-2। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है ABC, उसमें AB बराबर BC है, ठीक है। AB बराबर BC है, तो एंगल A का मान क्या होगा, A की वैल्यू क्या होगी? तो भाई A की वैल्यू जो होगी वो 45 डिग्री होगी। 10वां प्रश्न देखते हैं। तो यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यानी कि आमने सामने वाली भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है, तो वह चतुर्भुज होता है, क्या कहते हैं उस चतुर्भुज को? तो ये आपका आंसर है 10वीं का यस, बी ऑप्शन करेक्ट है, समलंब, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक तरफ से, तो भाई पहले का आपका डी है, दूसरे का बी है, तीसरे की बात करें तो तीसरे का या सी है, चौथा बी, पांचवे की बात करेंगे तो पांचवें का डी है एंड छठे का ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सातवें का आपका 33 सेंटीमीटर यानी कि सी ऑप्शन है, आठवें का आपका रहेगा आठवें का x-2 यानी कि सेकेंड ऑप्शन एंड 9th की बात करेंगे तो 9th आपका 45 डिग्री यानी कि ये ऑप्शन है एंड 10th में आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आइए फिर से हिंदी मीडियम में देखते हैं 11वां प्रश्न। और यहाँ पर एक आकृति आपको दे रखी है,
दी गई आकृति में ए बी तथा सी डी के बीच क्या संबंध है, है ना। तो ये आपका ए बी का है, ये आपका ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, तो इसके बीच का संबंध आपको बताना, बीच का संबंध। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ आप देखेंगे तो ये ओ है, ओ के ऊपर भी फाइव, ओ के नीचे भी फाइव है, तो ये बिल्कुल बराबर हो गया, यानी कि आपका ए बी बराबर सी डी, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। बारहवें का देखेंगे, यदि दो सम पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो बड़ा कोण कौन सा होगा, है ना, तो बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो भाई बड़ा एंगल होगा डी 108 डिग्री। यदि एक समबाहु जानते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो √316 है, वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है ना, तो परिमाप कितना होगा भाई, यस इसका रहेगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद चौदवा है 2R व्यास वाले गोले का आयतन, तो भाई अगर 2R व्यास है किसी का तो उस गोले का आयतन कितना होगा, तो आयतन होगा इसका 4/3πr³, है ना, तो 4/3πr³, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक ठोस की 10 विमाएं होती हैं, तो कितनी विमाएं होंगी उसकी, यस ये रहेगा सी ऑप्शन, 3 होंगी। अब एक समीकरण है, समीकरण को आपको ए एंड माइनस टू, किस समीकरणीय का एक हल है, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट है 2 4x - 3y - 10 = 0। अब सातवां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर एक दंड आलेख दे रखा है, तो दंड आलेख क्या दर्शाता है, है ना, निम्न में से कौन दंड आलेख को दर्शाता है, तो दंड आलेख कौन सा है भाई, यस ये आपका है दंड आलेख, ठीक है। उसके बाद आपको 11वां, अब ये सेम जो आपने पहले हिंदी में दे रखे हैं हिंदी में इंग्लिश में देख लो, तो 11वां का है सी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। एंड 12वीं की बात करेंगे तो 12वां रहेगा आपके लिए डी, यानी कि 108 डिग्री। 13वें का है आपका बी 24 सेंटीमीटर। एंड 14 का आपका रहेगा सी, 15 का रहेगा भाई 3, है ना, तो डायमेंशन जो है वो 3 डायमेंशन होंगे सी ऑप्शन। 16वें का रहेगा ए, एंड 17 का फिर से ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब हम 18वें पे चलते हैं, और ये आ गया आपके लिए हिंदी मीडियम, यहाँ पर एक वैल्यू आपको दे रखी, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा तो आप देख सकते हैं इसका मान होगा सी, यानी कि 4। अब 19 और 20 जो सवाल होते हैं वो आपके पास अभिकथन और कारण वाले होते हैं, तर्क और, है ना, तो तर्क और अभिकथन वाले, आपको इन चारों में से एक ऑप्शन को करेक्ट करना होता है। तो अगर 19 की बात करेंगे तो 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि दोनों ठीक है, है ना, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड 20वें की बात करेंगे तो 20वें में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, तो इसका जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अभिकथन ए गलत है परंतु आर करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख लो कहाँ गया, चलिए उसके बाद जो है आपके पास एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लें ताकि आपको यहाँ तक क्लियर हो जाए। तो 18वें का आपका रहेगा सी। एंड 19 की बात करेंगे तो 19 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, और 20वें का आपका रहेगा डी, है ना, तो एक बार आप इसे दोनों को इधर समझ लेंगे। उसके बाद हम फिर से वापस चलते हैं, और आपको बी पार्ट आ गया है, तो यहाँ पर ये खंड ख आपके लिए, अब आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड किस तरह से करेंगे आप, x² + 7x + 12, तो इसके आपको फ्रैक्शन करने हैं गुणनखंड। 21वें का आंसर से पहले आप यहाँ पर 22वां भी देख लेते हैं। 21वें या तो अथवा है, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला, इसके आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे 22वां भी देखो एक बार, है ना, तो चलिए भाई पहले 21वां का पूरा हम देखते हैं अथवा वाला और दोनों को। तो 21वें का भाई ये गुणनखंड है, और यहाँ पर इसके आप गुणनखंड देख लीजिए, उसके बाद आपके पास अथवा वाला ऑप्शन रहता है, तो अथवा वाले का आंसर, तो अथवा वाले पार्ट का भी आंसर आप यहाँ से देख और समझ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, आपको यहाँ पर रेखाखंड की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। एंड जो 23वां है वहाँ पर आपको तालिका का एक आयत चित्र बनाना है, तो इसे आप आयत चित्र आराम से बना सकते हैं।
उसके बाद आपको 24वां देखेंगे, तो यदि एक लंब वृत्तीय शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन आपको 64 पाई घन सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई आपको बतानी है 24वें में, साथ में आप यहाँ पर अथवा में देख सकते हैं, दो गोलों के आयतनों का अनुपात जो है वो 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आइए 24वें के दोनों पार्ट देखते हैं एक बार, तो 24वें का पहला एक बार देख लो और उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा पार्ट दिखाते हैं। तो ये आपका 24वां का अथवा वाला पार्ट है, आप इसे समझ लीजिए किस तरह से करना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर मैच कर पाओ और आप नेक्स्ट ईयर इसे देख सके कि भाई किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को देख और समझ सकते हैं। आपको इसके आंसर तो मैंने शेयर कर ही दिए हैं बी पार्ट में। उसके बाद आपको 25वां सवाल दिखाते हैं हिंदी में, और यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसके दो समान भुजाओं की जो माप है वो 13 सेंटीमीटर और जो आधार है वो 24 सेंटीमीटर है। तो आधार आपको पता है, ये आधार है ना, तो समद्विबाहु है, उसके बाद आप त्रिभुज बनाएंगे, तो इसका आंसर जो है यहाँ से देख सकते हैं आंसर, और इसे आप समझ लीजिए किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। और ये आंसर जो है इंग्लिश मीडियम में ही है, तो आप स्टेप समझ लीजिए, बाकी मीडियम का फ़र्क आपको इतना पड़ेगा नहीं। अब आपको सी पार्ट से आ गया यानी कि ग खंड से, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, एक समीकरण आपको दे रखा है, तो इसके आपको 3 हल बताने हैं है ना। 26वें में 3 हल आप इसके बताएंगे, और साथ में सरल कीजिए, आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है। 27वें में आपको यहाँ पर अथवा में भी दे रखा है, तो यहाँ पर जो है आपने के का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। आइए देखते हैं इसके आंसर। तो ये 27वां का पहला पार्ट है, मतलब अथवा वाला बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल आप इसे देख सकते हैं एक बार, और उसके बाद आप इसे ध्यान से देख लें, समझ लें किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, और हम अथवा पे चलते हैं। तो अथवा वाले पार्ट को यहाँ से आप इस आंसर को समझ लीजिए कि आपको किस तरह से एक्स को आपको रखना है। आइए 18वां सवाल देखते हैं, एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों है ना, ए पी और सी क्यू, तो ये सी क्यू है ना, ये आप देख सकते हैं एक बार इसे देखेंगे, आपका ये हो गया आपका ए पी और ये हो गया सी क्यू। ए और सी से विकर्ण, ए और सी से विकर्ण है ना, ए और सी से विकर्ण बी डी, तो भाई बी डी का ये विकर्ण है, आप ये देख सकते हैं बीच में कट हो रहा है, पर क्रमशः लंब है, तो आपको शो करना है कि कोण ए पी बी, देखिए एक बार कोण देख सकते हैं आप, ए पी बी कहाँ भाई, ए पी बी, ये है ए पी बी बराबर या है कोण सी क्यू डी, सी क्यू डी कहाँ है, ये रहा सी क्यू डी है ना, तो ये हो गया। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, साथ में आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण से दो सर्वांक्षम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ देख सकते हैं 28वें का आप पहले पार्ट को देख लें, और उसके बाद हम इसे किस तरह से सॉल्व किया है, फिर हम इसके अथवा वाले पार्ट को आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, उसके बाद आपको 2/9 तथा 3/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। उसके बाद एक आपको यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर मरीजों की संख्या को निरूपित करना है। तो इसे आप ग्राफ में आपको बनाना था, उसके बाद यहाँ पर 31 भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर वैल्यू इसका मान निकालना है। इस आंसर को, इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर, तो यहाँ पर 31 को भी देख लो भाई, यहाँ पर 1, 2 और 3, तो इस तरह से आपको इसका आंसर करना था। अब यहाँ पर आपको सेम चीज़ इंग्लिश मीडियम में दे रखी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, 5-5 नंबर वाले, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं एक बार, इन्हें थोड़ा सा आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, और ये जो क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर इन्हें पढ़ो समझ लीजिए, ताकि आप इन्हें कॉपी में वगैरह में आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आपको इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। और फिलहाल यहाँ पर मैं आपको इतना ही आंसर की इतनी दिखा पा रहा हूँ।
बाकी अगली वीडियो मिलते हैं, आप हमारे चैनल पे हिंदी की प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हैं, हिंदी के सारे टॉपिक्स आपको, ताकि आपको एससी में से एससी पूरे मार्क्स मिलें। कोई भी हिंदी का ग्रामर का टॉपिक आपको समझना हो तो आप समझ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और इस तरह से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस पेपर में मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।